सी ब्रिज भी है और सामने अतिथिगण, सबका बहुत बहुत स्वागत। पर जो इंद्रेश जी ने बात कही थी, यक्ष प्रश्न था, मैं उसी से प्रारंभ करता। एक बड़ा रोचक प्रश्न उन्होंने उठाया था, उस प्रश्न को मैं उठाऊं। उससे पहले आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग आप लोग यहां पर मात्र बॉडी से हैं या मन से हैं? तो मैं चाहता हूं कि 5 मिनट ये संवाद चले, आप लोग मन से यहां हो, और मन से यहां होने के पश्चात जब ये संवाद समाप्त हो, उसके पश्चात जब आप बाहर कहीं जाएं या यात्रा करें या राम पर चर्चा करें, तो कम से कम आपके पास जो तथ्य हों वो ऑथेंटिक हो। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां मन से भी हों। इंद्रेश जी ने बड़ा यक्ष प्रश्न उठाया था कि रामनवमी पर छुट्टी मनाने वाले तमाम लोग सरकारी महकमों से जुड़े रामनवमी की छुट्टी पर देहरादून, मसूरी और इलाहाबाद चले जाते हैं, वो बाद में आकर तथ्य पूछते हैं कि राम है या नहीं। और गजब ये है कि जब देश के बड़े सियासतदान जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि राम बाकी एग्जिस्ट करते थे, राम इज नॉट एग्जिस्ट, ये बड़ा बड़ा आश्चर्य जैसा है। मगर प्रश्न अब सियासत से नहीं है, प्रश्न आपसे है, आपके भीतर बैठे हुए राम से है। क्योंकि राम मात्र देवता नहीं, राम इस देश की संध्या है। जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं राम राम जी, जब प्रातः काल उठते हैं राम राम भाई के हाल, जब अंतिम विदाई होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, तो वो राम। अब सोचिए कि उस राम को मैं स्थापित करने के लिए एक मंच सजाया हूं और एक मंच पर चर्चा कर रहा हूं। मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारत फाउंडेशन का, न्यू भारत फाउंडेशन का, जिसने कम से कम ये साहस जताया कि हिंदुस्तान में, कि हमें एहसास दिला सके कि हम लोग वैसे मानसिक तौर पर भी आजाद हैं। वैसे हम लोग आजादी की बात जरूर करते हैं, मगर जाइए रूरल एरिया में और देखिए विक्रम सिंह साहब फॉर्मर डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उनसे ज्यादा बेहतर हम लोग नहीं जान सकते। आज भी 60 साल 65 साल की आजादी के बाद जब कोई एक आम आदमी थाने में जाता है तो इतना घबराता है, हम मानिए कि जैसे पीपल पर सूखे पत्ते की तरह। और हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों का बड़ा चिंतन बड़ा अद्भुत और बड़ा विचित्र होता है कि आजादी के बाद से हम लोग अपने ही देश में अपने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर से तरपाल हट जाए और छत बन जाए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताइए इससे ज्यादा और हमारे धैर्य की क्या 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 और हमारे धैर्य की इससे ज्यादा आप लोग परीक्षा ले सकते हैं या समूचा देश देखता है। मगर जबरदस्त जब स्थिति बन जाती है, जब हम लोग कहें कि जय श्री राम, तो कहते हैं कि भाई कम्युनल सांप्रदायिक। सोचिए कि आजाद हिंदुस्तान में 65 साल के बाद राम का नाम लेना सांप्रदायिक हो गया। मगर अगर जो भाई साहब आपको सांप्रदायिक लगता हो तो लगे, मेरी तरफ से तो जय श्री राम आज भी था, पहले भी था और फ्यूचर में भी रहेगा। जय श्री राम। परिस्थिति इसलिए अंकुरित होती है, स्फुटित होती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, क्योंकि जब मैं अपने घर में, अब मैं अपने आश्रम में, जब मैं 8 साल का था तब संन्यास लिया था, तब से लेकर अपना अब तक अपने बाबा को राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए देखा हूं, तो मैं जानता हूं कि राम किसी के दिल में कैसे स्थापित हो सकते हैं। 103 साल की उम्र में वो आज भी मुझसे कहते हैं, बोले अगर जो राम पर संवाद हो ना, तू जरूर जाना, तू जरूर बोलना कि वहां पर आज भी राम है, पहले भी राम थे, और जब हम नहीं थे तब भी राम थे, और आज अशोक जी नहीं है तब भी राम है, और जब हम नहीं होंगे तब भी राम रहेंगे। तो महत्वपूर्ण राम के नाम पर जयघोष और संवाद नहीं, महत्वपूर्ण जितने लोग आज हम यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और अभी पैनल डिस्कशन भी होगा, आप लोगों के सवाल भी होंगे, हम लोगों के जवाब भी होंगे, मैं उससे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ से आप लोग जाएं तो मात्र इन सवालों के जवाब लेकर नहीं जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम को, जो कि ना एक विचार है बल्कि वो विचार शक्ति है जो किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया में विवेकानंद को स्थापित कर सकते हैं, सिस्टर निवेदिता दे सकते हैं, तो श्री राम अपने आप को आपके भीतर बैठकर अपने मंदिर का निर्माण भी करा सकते हैं। तो आप ये नहीं समझिए कि राम मात्र एक विचार है, मात्र एक चिंतन है, राम इस देश की वे ऑफ लाइफ। जब आप कभी देखते हैं
जब हम लोगों को बांट दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर हम लोग बटते नहीं हैं। मैं आज भी जानता हूं कि जब हिंदू का हा लगता है और मुस्लिम का मा लगता है जब जाकर हम बनता है, और जब हम बनता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होता है, देश का निर्माण भी होता है और देश में पवित्र चिंतन की स्थापना होती है। मगर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि विद्वान लोगों में अपनी बात रख रहा हूँ, मगर एक चिंतन के साथ और एक चिंतन आपको देकर अपनी बात को पूर्ण विराम करूंगा कि जो मस्जिद होती है वो पवित्र पैसे से ली जाती है, जैसा कि इंद्रेश जी ने कहा। सोचिए कि जब बाबर आया था तो बाबर एक आक्रांता था और आक्रांता ने ये जमीन हम लोगों से दान में तो ली नहीं होगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो जमीन पर कब्जा करना, देश की जनता पर अत्याचार करना और उसके बाद मस्जिद न बनाकर बाबरी मस्जिद बना देना और जो पैसा था वो भी लूट का था। अब सोचिए कि जो उसमें बैठकर नमाज पढ़ेगा क्या वो नमाज कबूल होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होगी? नहीं होगी। उसके बावजूद हम लोग एक चिंतन बनाकर रखते हैं और एक सोच बनाकर रखते हैं कि मेरे देश के सियासतदान कोई ऐसा फैसला करेंगे, कोई ऐसा कानून लाएंगे कि जिससे राम मंदिर का निर्माण हो सके, मगर हम लोग सिर्फ सोचते हैं। आज तक कानून आया नहीं है और मुझे लगता है कानून आएगा भी नहीं, क्योंकि जो फैसला विचाराधीन होता है सियासतदान उस पर कानून ला ही नहीं सकते। तो जिस पर कानून आ नहीं सकता तो हम लोगों को उसके नाम पर ट्रॉफी क्यों? आप बोलिए कि आप आपस में विचार विमर्श कीजिए, दुनिया के बड़े से बड़े मसले विचारों से हल हुए। मुझे याद है इंद्रेश जी ने कहा कि वेटिकन सिटी एक हो सकती है, चर्च अनेक हो सकती है, मक्का मदीना एक हो सकता है, मस्जिद अनेक हो सकती है। तो भाई साहब समझ लीजिए, अपना भी फंडा बहुत क्लियर है कि राम जन्मभूमि एक हो सकती है, राम मंदिर अनेक, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो राम जन्मभूमि है, मुझे आज भी वो नारे याद है, बाबा अक्सर बताया करते थे जब अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो अक्सर बोलते थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आज देश बदला, विचार बदला, सोच बदली, परिपेक्ष बदला, हमारी वे ऑफ थिंकिंग बदली, परिस्थिति क्या हो गई कि बच्चा बच्चा राम का, क्या प्रोग्राम है शाम का। तो हमें लगता है कि हमें लौट कर वापिस आना चाहिए। जो हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान में रहने वाला जिसके भीतर राम धड़कन बनकर धड़कते हैं, अगर जो वो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के सर पर छत भी ना कर पाया, सोचिए कि जब उसके सामने होगा तो क्या कहेगा कि मुझे जो जन्म मिला था, मुझे जो जीवन मिला था, मैंने सेक्युलर होने में बिता दिया। कि आप जो करें सो सेक्युलर, एक आजाद हिंदुस्तान में हमारे धैर्य की प्रतीक्षा इससे बड़ी क्या होगी कि आजादी के बाद से आज तक कानून और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे, और क्या इससे ज्यादा हम लोगों का धैर्य का परीक्षा लिया जाएगा। मगर मैं कम बातों में अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो मंच संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय, उन्हें आमंत्रित करता हूं इस बात के साथ कि आप एक मात्र चर्चा के कुछ विचार नहीं, एक राम नाम के थॉट को लेकर यहां से जाएंगे। क्योंकि जब कल किसी को कोई मिले तो ये ना हो कि हम लोग राम को जानते हैं, हम लोग राम को सुनते हैं, हम लोग राम को मानते हैं, किस तरह से हम लोग अपने प्यार और अपने समर्पण और अपने आस्था की गवाही दें। हनुमान ने तो सीना चीर कर राम और सीता की तस्वीर दिखाई थी, हम लोग अपने भाव चीर कर दिखा रहे हैं, कम से कम आज तो विश्वास कीजिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं फाउंडेशन को, भारत न्यू भारत फाउंडेशन को, फैंस को और अशोक जी को, मंच का संचालन करें। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम।